नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। और आज मेरे साथ हैं मिस्टर बुरनबायर, की ये डिप्टी एम्बेसडर हैं मंगोलियन एम्बेसी में, और ये मेरे पास कुछ हफ्ते पहले आए थे। इनकी यूरिन में कुछ झाग आ रहा था, ये सब खुद बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनकी बीमारी निकली और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो आपको क्या परेशानी थी आप जब पहली बार मेरे पास आए? बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं मिस्टर पूरन भाई। शुक्रिया। 3 हफ्ते पहले शायद था। हाँ, पास में आया था। हिस्ट्री में भी जरा हाई ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। तीन साल कोई दवाई नहीं पिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन 3 हफ्ते पहले एकदम ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ना शुरू हो गया। एक दिन दुकान में जा रहे थे तो अंधेरा होकर घिरने वाला था, फिर मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आके पेशाब में कुछ झाग भी आ रहा था शायद, नहीं यहाँ पर मेरे बैक में बहुत दर्द होती थी। फिर किसी डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी में कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर हमने सोचा अभी हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। तो जब ये आए मेरे पास, इनके ब्लड प्रेशर जैसे हाई था और हमने इनके टेस्ट किए तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज था। तो हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी का एक लक्षण होता है, ये आप सब लोगों को जानना चाहिए। और जिस पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता है उन्हें तुरंत एक किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो जब हमने इनका चेकअप किया तो हमने देखा इनके ब्लड प्रेशर के साथ साथ इनका यूरिन प्रोटीन लीकेज भी आ रहा है, और ये दोनों हाई ब्लड प्रेशर प्रोटीन लीकेज किडनी की बीमारी को लिंक करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो हमने इनको एडवाइस किया कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए और किडनी बायोप्सी कीजिए। तो हमने इनको एडमिट होकर किडनी बायोप्सी करी। बायोप्सी में पता चला एक बीमारी होती है एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, वो निकली जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग आई हुई थी, फिल्टर्स में से प्रोटीन लीक हो रहा था। फिर हम वापस गए इनके पास कि हमें शक पड़ा कि कोई ना कोई दवाई जरूर ले रहे हैं जो इनको रिएक्ट करी है। और कॉमनेस जो हमारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथिक सिस्टम में पेन किलर्स भी कर सकते हैं ये, और बाकी दवाइयां भी कुछ और होती हैं, डायुरेटिक्स होती है, बट पेन किलर्स हम काफी कॉमनली देखते हैं ये प्रोटीन लीकेज करते हैं। लेकिन इन्होंने ये दवाई ऐसी कोई ली नहीं थी। आपने कौन सी दवाई ली थी, ये कुछ बता रहे थे आप, बैक पेन के लिए कोई कोई दवाई नहीं पिया आप? एक मैं बोल रहा था, एक 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं टिबेटियन मेडिसिन एक मैंने वहाँ पिया, लेकिन ज्यादा कुछ। तो इन्होंने टिबेटियन मेडिसिन ली थी और फिर हमने लिंक किया तो टिबेटियन मेडिसिन की वजह से ही इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, इनका प्रोटीन लीकेज हुआ, इनके बायोप्सी से बीमारी पकड़ी गई, इनको दवाई शुरू की गई, और आज इनका यूरिन प्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल आ गया है और ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है। धीरे धीरे हम किडनी की दवाई कम करेंगे और उम्मीद है आगे जाके इनकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी शायद बंद हो जाए। लेकिन किडनी वाइज इनकी कंप्लीट रिकवरी हो गई है। ये एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस बोला जाता है और एलर्जिक रिएक्शन होता है मेडिसिन से, तो इसलिए कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे जाए तो प्लीज टेक इट अंडर सुपरविजन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। तो कोई भी मेडिसिन आपको रिएक्ट कर सकती है।